इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक मकदम है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर कायद जनाब अहमद पटेल की मौत ने पहले से परेशानी में मुब्तला पार्टी को और भी ज्यादा गमगीन बना दिया। अहमद पटेल वो शख्स थे जब 2014 में पार्टी तिनका तिनका बनकर बिखरने लगी, तब भी पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनाने में अहमद पटेल का अहम किरदार था। मुख्तलिफ सिमत की फिक्र के शिवसेना को जोड़ने में भी इन्होंने अहम किरदार निभाया था। एक वक्त था कांग्रेस पार्टी में गांधी खानदान के बाद सबसे ताकतवर कायद कहा जाता था। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के बाद अहमद पटेल ही का मकाम था। राजस्थान के बगावत के वक्त भी मामले को सुलझाने वाले अहमद पटेल ही थे। जब सभी कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी भाजपा में जाने की बात कह रहे थे, उस वक्त यही अहमद पटेल थे जिन्होंने मामले को संभाला था। इन बातों का जिक्र इसलिए भी अहम है क्योंकि यह दौर भाजपा और मोदी का दौर कहा जा रहा था। कई कांग्रेसियों ने भाजपा का रास्ता इख्तियार किया था, पर अहमद पटेल ने इस मुश्किल वक्त में भी बड़ी ही संजीदगी से अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। अहमद पटेल वही शख्स थे जिन्होंने 2014 के बाद बिखरती हुई पार्टी के कारकुनान को भी जोड़ कर रखने में असरदार काम अंजाम दिया। हमेशा इख्तदार और नुमाइश से दूर रहते थे, उन्हें सभी अहमद भाई कहकर पुकारते थे। कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के बाद 2004 से 2014 तक सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर देखा जाता था। 1985 में राजीव गांधी ने ऑस्कर फर्नांडिस, अरुण सिंह के साथ अपना पार्लियामेंट सेक्रेटरी अहमद पटेल को बनाया था। इन्हें अमर अकबर अंथोनी भी कहा जाता था। खैर, इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया जा रहा। बेलगाम कांग्रेस पार्टी दफ्तर में इन्हें याद नहीं किया, ये भी एक अलमिया है। आखिर किस वजह से इन्हें याद नहीं किया गया, अब तक इसकी इत्तला हासिल नहीं हुई है। लिहाजा देश के मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया और इनके पार्टी के मद्देनजर खिदमात को याद भी किया गया। बेंगलोर पार्टी दफ्तर में भी मुख्तसर से इजलास किए गए, पर बेलगाम जिला या बेलगाम ग्रामीण दफ्तर में आखिर इजलास क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस पार्टी की सबसे ताकतवर शख्सियत जिनका इंतकाल होता है और इन्हें पार्टी की जानिब से खराज अकीदत तक पेश नहीं की जा सकती, इसका मतलब क्या है? अवाम की जानिब से यही सवाल पूछे जा रहे। वाज़ा रहे, कांग्रेस पार्टी के हिमायती आज भी हैं, पर जिस तरह अहमद पटेल को याद नहीं किया गया, ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई कांग्रेस भी अकलियतों के बारे में अपने ख्यालात में तब्दीली ला रही? बेलगाम में कांग्रेस के बड़े कायद मौजूद हैं, कई एमएलए हैं, क्या इन्हें अहमद पटेल की मौत पर हंगामी इजलास मुनक्कद करने का वक्त नहीं था? इतने बड़े कायद की मौत पर हंगामी इजलास का एहतमाम जरूरी था? हो सकता है कल या परसों एहतमाम किया जाए, लिहाजा इतने बड़े कायद की मौत पर अफसोस की मजलिस मुनक्कद नहीं करना भी अफसोस का मकाम होने की बात कांग्रेस कारकुनान की जानिब से कही जा रही है। लव जिहाद एक गलत लफ्ज है, दरअसल इसे सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। खासकर भाजपा संघी विचारधारा के लोगों ने ही इसे ईजाद किया हुआ। जिहाद लफ्ज को बदनाम करने की साजिश है, ऐसा भी कई इल्मी दानिशों का कहना। लफ्ज जिहाद के असल मायने ही अंथक कोशिश है, किसी भी नेक काम में या नेक मकसद के लिए कोशिश करना है, पर किसी न किसी बहाने मखसूस समाज को निशाना बनाने की गोया इस मुल्क में कई पार्टियों की आदत पड़ी हुई। खासकर यूपी की योगी हुकूमत को नफरत का एजेंडा चलाने की काफी जल्दबाजी रहती है। लिहाजा अहमदाबाद अदालत ने लव जिहाद पर फैसला सुनाते हुए मुख्तलिफ मजाहिद की शादियों को बहाना बनाकर अवाम को भड़काने वालों को तमाचा मारा है। भले ही योगी हुकूमत इसे माने या ना माने, पर अदालत ने अपने फैसले में लव जिहाद की अर्जी को खारिज किया और कहा कि किसी भी बालिग लड़का या लड़की को, किसी भी धर्म मजहब के लड़का लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक है। यूपी के कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार ने पिछले साल अगस्त में शादी की थी। शादी से ठीक पहले प्रियंका ने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम बदलकर आलिया रख लिया था। प्रियंका के घर वालों ने इसके पीछे साजिश का इल्जाम लगाते हुए सलामत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी, जिसमें उस पर लड़की को अगवा और जबरन शादी करने जैसे इल्जाम लगाए थे।
सलामत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की दफाएं भी लगाई गई थी, लेकिन पूरे मामले को सुनने के बाद अदालत ने सारे इल्जाम खारिज कर दिए और अदालत ने यह भी कहा कि धर्म की परवाह न करते हुए अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन के अधिकार और निजी हक के अधिकार के ही जमरे में आते हैं। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि अगर दो बालिग शख्स यानी लड़का और लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रह रहे तो इसमें किसी दूसरे शख्स या परिवार यहां तक कि सरकार को भी एतराज करने का हक नहीं है। लिहाजा इस फैसले ने लव जिहाद के नाम पर समाज में नफरत फैलाकर सियासी रोटी सेंकने वालों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। यूपी के योगी जिनका सबसे पसंदीदा मशगला अकलियतों के खिलाफ कोई ना कोई इकदाम, गांव के नाम बदलना या लव जिहाद, ट्रिपल तलाक और भी कोई बहाना तराश कर अकलियती माशरे को परेशान करना और खुद को हिंदुत्व का आलमबरदार समझना, इन पर यह फैसला हो सकता है कि नागवार गुजरे। अब देखना है कि कई सारे भाजपा इख्तदार वाले रियासतों में लव जिहाद पर कानून की जल्दबाजी कर रहे थे, अब नया क्या रास्ता निकालते हैं, इस तरफ सभी की तवज्जो। खबरों का सिलसिला यूं ही चलते रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।